कैसे गया ज्यादा दबाया इन्हें। पानी निकाल के दबाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और ऐसे बात करने जा तो चावलों की कैसे चावल भुगोए हैं? टोटा हुआ है कि चावल भुगोए थे? वही और चावल जो बाल्टी में जो हुए वाले भुगोए। हाँ, एक तो चॉपर के अंदर टोटा पड़ा था, ये देखो वो वाले। ये कैसे छोटे छोटे हो गए पता नहीं। भाजी कुछ नहीं, मैंने बस वही धो के भुगोए जो बाल्टी में थे। अब ऐसा ना के बच्चे कहें कि हम नहीं खाने हैं। चलें जी, हमने कोशिश की थी कि व्हाइट चावल बनाए, लेकिन चावल पता नहीं कैसे टूट गए, हमने तेल दे दिए। तो जब तक हमारे चावल बनेंगे तब तक हम करेंगे आप लोग से बात, करेंगे अपने खाने की तैयारी। आज क्या बना रही हैं जी? आज मैं बना रही हूँ व्हाइट चावल जो। ओके जी। और रवि मैम हेलो, हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत होंगे। राज आप लोग के घर में क्या पका? वो भी शेयर करें। और आज मेरे सर में बहुत दर्द थी, इसलिए मैंने सोचा था कि दाल चावल बनाऊंगी। बच्चे कह रहे थे कि हमने वाइट चावल खाने हैं और तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इसलिए हमने दाल नहीं पकाई क्योंकि शोरबा पड़ा था। तो मैंने सोचा कि हम जो है ना वो शोरबे के साथ चावल खा लेंगे और बच्चे जो है वो दूध के साथ चावल खा लेंगे। और इसके अलावा मैंने आप लोग से बताना था कि आज रात को 11 बजे हम लोग आएंगे टिकटॉक पर लाइव, तो हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बिरयानी बना ले जी, मैं बिरयानी बना लेती लेकिन सर में बहुत दर्द थी, इस वजह से नहीं बिरयानी बनाई। हमने बहुत इजी काम किया, वाइट चावल पका दें। और मेरा बेटा जो मुस्तफा है वो 3 दिन से कह रहा था मामा वाइट चावल खाने, वाइट चावल खाने, वाइट चावल बना दे। तो मैंने सोचा कि चलो जी आज हम वाइट चावल बना ही देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम नूर, कैसी हैं आप? और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ओके जी, ओके जी, ओके जी। और कौन है हमारे साथ जी? अगर अभी तक आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो साथ साथ फॉलो करते जाएं, जो फॉलो करेगा मुझे नोटिफिकेशन मिलता जाएगा कि किस किस ने हमें फॉलो किया। और अगर आपको मेरी आईडी अच्छी लगे तो उसे आप शेयर भी करिएगा। जी अभी कोई वीडियो कॉल नहीं ले सकते, सॉरी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, आप सब मैनेज करती हैं बच्चों को, काम को। थैंक यू सो मच सदब, थैंक यू। बस देख लें कि जब इंसान की जिम्मेदारियां आती हैं तो इंसान को मैनेज खुद ही करना आ जाता है। मैं नादिया से हूँ, नीता से हूँ, क्या है? और कौन है यहाँ पर हमारे साथ? बाय बाय। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ओके जी, थैंक यू सो मच नूर। जुमा मुबारक जी, बिल्कुल खैर मुबारक हो। और आप सबको भी जुमा मुबारक। अब तो खैर जुमे की शाम होगी और जिन जगहों पे भी जुमे का दिन शुरू होना है तो वहाँ पे सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। हाय, हेलो, हेलो, हेलो। और कौन है हमारे पास? जी 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 जी, मैं सब मैसेज देख रही हूँ। जी सॉरी, अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं लेंगे और
अगर मेरी कोई सिस्टर बात करना चाहें तो उनकी हम रिक्वेस्ट ले लें, जैसे रैंडम नहीं किसी की रिक्वेस्ट में लेती, आप भी मेरे वीडियोस में देखा भी होगा, तो सॉरी माइंड मत करिएगा, माइंड कर भी गए तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर कौन कौन है जिसने मुझे जो है ना वो YouTube पर भी फॉलो किया और Facebook पर भी और Instagram पर भी, इतना बड़ा मेरा फैन कौन है वो यहाँ पर आके हाथ खड़ा करे, जिसने सब जगह पर मुझे फॉलो किया हुआ है। और कौन है हमारे साथ, थैंक यू सो मच। अभी मैं देख रही हूँ कि अभी किसी का नहीं आया ऐसा कोई रिप्लाई कि जिसने कहा कि जी मैंने आपको कर दिया तो फॉलो किया। आज आप क्या बना रही हैं जी? आज मैं उन्हें देखती हूँ ज़्यादा। और इधर का कमी फिर उसके बारे में, थैंक यू सद्दफ आपने फॉलो किया है ज़ारा। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सब जगह पर फॉलो किया हुआ है। और अभी हमारा दिल चाह रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि ऑरेंज खाए जाएं, तो अभी हमारे ऑरेंज खत्म थे, हमने भी मंगवाए हैं तो फिर वो भी खाएंगे। मैंने किया हुआ है जी रबियाज, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फॉलो किया सब जगह पर। और अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। मैंने आपको किया है जी, थैंक यू आमिर फरहान, थैंक यू सो मच। मैंने भी जी रबिया फातिमा, थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों ये जितने देख रहे हैं यहाँ पे सब प्यारे बच्चे हैं, जिस जिसने मुझे सब जगह पे फॉलो किया हुआ है। मैंने भी किया हुआ है जी, थैंक यू सो मच। आपका नाम भी ले लेते हैं, आप कौन है, स्पीड से मैसेज करके जा रहे हैं जी। मीरा थैंक यू सो मच। साथ साथ हम अपने चावलों को देखेंगे, ऐसे में हमारे चावलों की खीर बन जाए, फिर हमें इसमें दूध डालकर पकाना पड़े। मैंने भी थैंक यू मी मॉम, थैंक यू सो मच। खाना खाने के लिए सब बच्चे रेडी हो जाओ, मजा आएगा। वैसे आज ना व्हाइट चावलों के ऊपर शोरबा डाल के बनाएंगे, वैसे व्हाइट चावलों में बनाती हूँ दाल के साथ या मसर के साथ बनाती हूँ, तो आज हम मटर गोश्त के शोरबे के साथ चावल खाएंगे। मुझे वैसे मेरा पहले दिल करने लग गया, पहले इतना मेरा दिल नहीं चाह रहा था लेकिन मेरे सर में दर्द थी तो मैंने सोचा चलो चावल बना देती हूँ, बच्चे कह दे रहे हैं और हम शोरबे के साथ खा लेंगे। तो लेकिन अब मुझे जो है ना मेरा दिल चाह रहा है जल्द से पक जाए और फिर मैं खाऊं, कितना मजा आए। मैंने आप लोग को अपने किचन का टूर भी देना, आप लोग ने तीन दफा गए तो इंशाल्लाह जो है ना मैं दूंगी जी। बैठे क्या करने, ओहो क्या करने, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे मम्मा के सर में दर्द है, फरमाइश आ रही बड़ी बड़ी कि आप जब डन हो जाएं तो हमें बुलाना, हम आपके साथ केक बनाएंगे जी। सुन ले बात, अगर ये बच्चे केक बनाने लग जाए हैं तो कमी किस चीज की है। अभी चले हम कैमरे को इधर रखते हैं ताकि चावलों से पानी नहीं छोड़े और आप देखें कैसे पानी छोड़ते हैं। मेरे पास वैसे जो ना वो स्टैंडर्ड से पानी हम ड्रेन करते हैं लेकिन आज मैंने सोचा ऐसे कर लेते हैं देसी तरीके से। Thank you.
ये सारा चटाई बिछाओ खाना खा। अब दुआ करेंगे चावल हमारे लिए ना अच्छे बन जाए। लड़कों के हाथ दिलवाओ काफी हो गए। जरा सिंह में पानी डालो ताकि पीछे वो जम न जाए। चलेंगे अब थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे ना जब तक हमारा सालन भी गर्म हो रहा है और मैं फिर से पीने लगी हूँ पानी। और ये मेरा राइट हैंड है। अब मुझे पता नहीं चलता कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है कि आपको राइट राइट नजर आए लेफ्ट लेफ्ट नजर आए। ऑयल नहीं होता तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। और आपको चावल भी अब दिखा दूं, मैंने इतनी जहमत कर लिया है तो देखिए आपने खाना ऐसे इतने के बर्तन खाली हो। आप सोचेंगे पता नहीं बर्तन हो गया ना फर्स्ट टाइम। और ये देखिए मेरे पास बड़ा ही खूबसूरत सा गोल्डन स्टैंड है जो कि देची रखने के लिए हम यूज करते हैं। और देची मतलब के गर्म बर्तन कोई भी इसे रखो वहाँ पे। बिरयानी हो कोई भी चावल हो जब चावल नीचे थोड़े से लगते हैं वो क्रिस्पी होते हैं वो चावल मेरे फेवरेट है। चाहे वो वाइट चावल हो मैं नीचे से जो ना वो निकाल के खाती हूँ मुझे जो ना अच्छे लगते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से चावल। जी 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 जी। और कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। खाना हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है। आप इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त और हम खाएंगे खाना। आज ज़्यादा बिजी लग रही हैं जी निदा आज क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द थी और मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी मैं नाश्ता करके मैं फिर सो गई और बच्चे स्कूल से हैं तो उन्होंने खाना खाना तो मैंने सोचा चलिए जब तक मैं चावल बनाती हूँ तब तक मैं आपको उससे बात भी कर लेती हूँ ताकि मेरा किचन में टाइम गुजर जाए। हेलो बिल्कुल फ्रॉम जी।